सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अनुभव उम्र से नहीं बल्कि परिस्थितियों से मिलते हैं और परिस्थितियाँ इंसान को जीने का ढंग सिखाती है। दिल से ज्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं हो सकती। यह आप पर निर्भर करता है आप प्यार बोते हैं या नफरत। अपनी सोच को भले ही नहीं रखो लेकिन संस्कार तो पुराने ही अच्छे हैं। सलाह सभी की सुनो परंतु करो वही जिसके लिए आपकी हिम्मत और बुद्धि समर्थ रहती है। सलाह सभी की सुनो परंतु करो वही जिसके लिए आपकी हिम्मत और बुद्धि समर्थन करती हो। आज का पंचांग 16 मई 2021 दिन रविवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह 10:01 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 11:14 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:19 से 6:57 तक रहेगा। आज का विजित मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 16 मई 2021 दिन रविवार। अगर आप आज रसोई घर में बनने वाले खाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज आपको कोई विशेष पकवान खाने को मिल सकता है। अपने सेहत का ध्यान रखें और साफ सफाई बनाए रखें। आपके मित्र को हुई गलतफहमी आज दूर हो सकती है। अप्रत्याशित स्रोतों से आय होने की संभावना है। ग्रह गोचर उचित बना हुआ है, आपके काम सुचारू रूप से बनेंगे जिससे मन में सुकून रहेगा। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से मेलजोल बढ़ाएं जिससे आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए मार्ग उत्पन्न होगा। जीवन में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी लेकिन इच्छा शक्ति कम होने के कारण थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है। मेहनत और प्रयासों के साथ ही आपका मनोबल भी प्रबल होगा, इसलिए भावनाओं को अधिक महत्व न देकर अपने प्रयत्न जारी रखें। काम की जगह बदलाव आ सकता है जो शुरुआत में कठिन लगेगा लेकिन आपके लिए फायदेमंद और महत्वपूर्ण साबित होगा। परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए पति पत्नी मिलकर प्रयत्न करेंगे। सावधानियां। किसी नजदीकी मित्र या रिश्तेदार से मनमुटाव हो सकता है। दूसरों के ईगो और गुस्से के सामने अपनी ऊर्जा नष्ट ना करें तथा सांचित बने रहें। खर्चे की स्थिति बनी रहेगी परंतु अपने बजट का भी उचित ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के मध्य किसी मामूली सी बात को लेकर तकरार रह सकती है। ध्यान रखें कि घर की बातें बाहर न निकलें। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बनेगी। आपका कोई नजदीकी आपके लिए लेकिन आप इसे बस दोस्ती तक रखना चाहते हैं। अगर आप इस आदमी को खुलकर अपनी भावनाएं बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि इस आदमी से आपको बहुत प्यार और देखभाल भी मिली है और इसने कई बार आपके कठिन समय में आपका ध्यान रखा है। मेरी सलाह ये है कि आप अपने फैसले के बारे में दोबारा सोच लें। बात करते हैं करियर की। अपना बेहतर प्रयास डालें। आपने दूसरों का समर्थन किया है परंतु वे अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचते ना जानते और आपके प्रयासों की सराहना करना वे भूल गए। आप ऐसे लोगों के बारे में चिंता ना करें और अपनी प्रयास जारी रखें। अपने कार्य के प्रति अपनी भावनाओं को लगाएं ना कि उन लोगों के लिए जो आपको महत्व नहीं देते। कार्य क्षेत्र में वर्तमान में जैसा चल रहा है उसी पर ध्यान केंद्रित रखें क्योंकि अभी कोई भी अहम निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल नहीं है।
नौकरी पेशा व्यक्तियों को ऑफिस का काम घर से करने में कुछ दिक्कतें भी आएगी। बात करते हैं सेहत की। गैस और बदहजमी की वजह से जोड़ों का दर्द भी बढ़ सकता है। हल्का भोजन करें। आज आपको कोई बहुत अच्छा दोस्त भी मिलेगा जो आपका व्यायाम में बेहतरीन साथी साबित होगा। आप उसे पहले से जानते थे, लेकिन स्वास्थ्य में उसकी भी रुचि का आपको अभी पता चला है। आपकी मिली जुली कोशिशों से आप अपने स्वास्थ्य को और अधिक गंभीरता से लेंगे और आपकी फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। आप अभी किसी एथलेटिक कार्यकलाप में भाग ले सकते हैं। आज का उपाय। आज अब गरीबों को हो सके तो दान पुण्य करें, अति शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।